बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई चारों फिल्मों का ग्राफ धड़ाम से गिर गया। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलीज होने के बाद लोग केजीएफ 2 को जरा कम पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से केजीएफ 2 का बिजनेस लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन बुधवार को डॉक्टर स्ट्रेंज के कलेक्शन में भी एक भारी गिरावट देखने को मिली। मार्वल फिल्म ने सिनेमाघरों में छठे दिन लगभग 6 करोड़ की कमाई की है। हालांकि फिल्म की ओपनिंग काफी धमाकेदार रही, जिससे फिल्म का अब तक का कुल बिजनेस तकरीबन 99 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी। दूसरी तरफ बात करें केजीएफ 2 की, तो 28वें दिन इस फिल्म का बिजनेस तकरीबन 4 करोड़ रुपए रहा। ये बिजनेस पिछले दिनों के कंपैरेटिव काफी कम है। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू देखा जाए तो फिल्म के 28वें दिन भी तकरीबन 4 करोड़ की कमाई करना अपने आप में बड़ी बात है। केजीएफ चैप्टर 2 अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 1170 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरी फिल्मों यानी कि हीरोपंती और रनवे 34 के क्या हाल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 की। इस फिल्म की ओपनिंग ठीक ठाक रही, लेकिन ये अपने दर्शकों को प्रभावित करने में असफल नजर आई। फिल्म का अब तक का कुल बिजनेस तकरीबन 32 करोड़ रुपए है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे एक्टर्स होने के बावजूद भी ये फिल्म अपने दर्शकों के दिल में घर नहीं कर पाई। 13वें दिन इस फिल्म ने महज 65 लाख रुपए का बिजनेस किया है। अब बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 की। फिल्म के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर भले ही ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक फिल्म ने 2 हफ्तों में महज 26 करोड़ की कमाई की है। रनवे 34 और हीरोपंती 2 को पहले से ही केजीएफ 2 से कड़ी टक्कर मिल रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज आने के बाद दर्शकों का रुख इन फिल्मों की ओर बिल्कुल भी नहीं रहा। पब्लिक की बात करें तो अब तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 नहीं देखी है और उनकी थिएटर्स में देखने के लिए पहली प्रायोरिटी यही फिल्म है। और दूसरी तरफ आते हैं मार्वल लवर, जो हीरोपंती 2 और रनवे 34 छोड़कर ऑफकोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को ही चुनेंगे। रिपोर्ट्स की बात करें तो इन दोनों फिल्मों के लिए रिलीजिंग टाइम ठीक नहीं था। पहले केजीएफ चैप्टर 2 और अब डॉक्टर स्ट्रेंज से इन दोनों को कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि फिल्म मेकर्स को भी कहां पता था कि उन्हें उन फिल्मों से टक्कर मिलेगी जो असल में हिंदी जॉनर की नहीं है। वेल, केजीएफ चैप्टर 2 के रुझानों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि दर्शकों को बेहतर फिल्में देखना पसंद है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस फिल्म का ओरिजिन क्या है। हालांकि अब भी थोड़ी उम्मीद बाकी है कि वीकेंड पर इन फिल्मों का कलेक्शन थोड़ा बढ़ सके, लेकिन वीकडेज में ऐसा होना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इन चारों फिल्मों की नेट कमाई कितनी होगी, वेल ये तो वक्त ही बताएगा। हम अपडेट करते रहेंगे आपको। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।